हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स 29 पे। तो हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे थे। 2 लेसन हम कर चुके हैं, आज हम तीसरा लेसन करेंगे जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि मानव ने कैसे भोजन इकट्ठा करना पहले शुरू किया, उसके बाद पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू किया, फिर बिजाई शुरू की, फिर भंडारण, ऐसे करके जो भी है इस लेसन में हम इस लेसन का सार करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले 2 लेसन हम कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा, और आज हम तीसरा लेसन करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, वो हम आज उसका तीसरा लेसन करेंगे आज हम। तो इसका पहला पॉइंट है 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 12,000 साल पहले लोगों ने किसी खास स्थान पे रहना शुरू कर दिया, तो उसे बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोग जानवरों को पालतू बनाने लग गए, खेती करने लग गए, इस चीज़ को बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया गया है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आता है। तो सबसे जो प्राचीन फसल जो उपजाई गई थी उसमें गेहूं और जौ को उपजाया गया था। अगला पॉइंट है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो जंगली कुत्ता था। जंगली कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। अनाज का उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में किया जाता था। तो अनाज जो इकट्ठा करते थे उसका 3 रूप में जो है प्रयोग किया जाता था अनाज का, कि खाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, और बिजाई के लिए, बीज के लिए, जो आगे की दोबारा फसल बीजेंगे उसकी बिजाई के लिए, बीज के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, और भंडारण के लिए, मतलब भंडार करके रखा जाता था, उसे स्टोर करके आगे के लिए यूज के लिए। तो ये थे भंडारण के लिए, लोगों ने बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जैसे गर्तावास कहा जाता था। इसमें सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंडी के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। इसके अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो भंडारण के लिए लोग बड़े बड़े टोकरियां बनाते थे, ज़मीन में कट्टे गोद के रखते थे। और जो बुर्ज होम है, जो अभी मौजूदा कश्मीर में मौजूद है अभी, उसमें एक स्थान ऐसा मिला है जहाँ पे ज़मीन में घर बनाया गया है, अंदर ज़मीन में नीचे खोद के घर बनाया गया है, जिसे गर्तावास कहा जाता है। और उसके उसमें सीढ़ियां बनाई हुई थी नीचे उतरने के लिए, और उसमें आग जलाने के जो स्थान थे वो ज़मीन के अंदर, जो घर बनाया गया था उसके अंदर भी आग जलाने के जो परिणाम मिले हैं और बाहर भी। तो इससे ऐसा लगता है कि वो मौसम के हिसाब से खाना बनाते थे, कि सर्दियों में अंदर खाना बनाते थे या गर्मियों में बाहर, ऐसे कुछ खाना पकाने के जो मौसम के अनुसार खाना पकाते थे, इसके परिणाम मिले हैं। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युगीन माना गया है। इन हथियारों को और पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यहाँ से ओखली और मुसल भी मिले हैं। इसका प्रयोग अनाज वनस्पति को पीसने के लिए किया जाता था। तो बहुत सारी जगह से जो पत्थर के औजार भी मिले हैं, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे पूरा पाषाण युग में औजार जो थे वो काफ़ी बड़े थे, और मध्य पाषाण में उससे छोटे हो गए, नव पाषाण में और छोटे हो गए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया जो औजार थे वो छोटे होते गए और पेने होते गए, धारदार होते गए, तो नव पाषाण युग के हथियार माने गए इन्हें। तो नव पाषाण युग में हथियारों को और पैना करने के लिए, धारदार बनाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। यहाँ से ओखली और मुसल मिले हैं। ओखली और मुसल जो
धान और अनाज और वनस्पति को पीसने के लिए यूज़ किए जाते थे, आज भी हम इनका यूज़ करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, तो कुछ औजार थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं और कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले हैं जिस पे चित्रकारी भी की गई है। ये भी इसमें ऐड कर लेना कि चित्रकारी की गई है, लाल और काले रंग से चित्रकारी की गई है इन मिट्टी के बर्तनों पे, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ ये सारे परिवर्तन एक साथ नहीं हुए थे, तो ये जो सारे परिवर्तन थे वो एक साथ नहीं हुए थे। इसका मतलब ये है कि एक स्थान पर अगर लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है तो दूसरे स्थान पे उसके कई हजारों साल बाद उस खेती का जो ज्ञान है वो दूसरे स्थान के लोगों को प्राप्त हुआ है। तो एक साथ परिवर्तन हुए, एक स्थान पे परिवर्तन हुए तो दूसरे स्थान पे कई हजारों साल बाद वो परिवर्तन देखने को मिले थे। कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहते थे। जनजाति छोटी छोटी बस्तियों में रहती थी, तो जो पशुपालक और कृषक जो एक ग्रुप में रहते थे उसे जनजाति कहते थे, और वो जनजाति छोटी छोटी बस्तियों में रहती थी। अलग अलग बस्तियां बनी हुई थी उनकी छोटी छोटी। नाच गाना और घर की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था, तो नाच गाना उनके मनोरंजन का जो अहम हिस्सा था और घर की सजावट वगैरह ये करते थे, तो ये उनकी ज़िंदगी का मेन हिस्सा था। किसी व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था, वह अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकता था। तो किसी एक व्यक्ति को जो है नेता मान लिया जाता, वो उस अनुभवी कोई वृद्ध व्यक्ति होता था या कोई नौजवान योद्धा होता था या फिर कोई पुरोहित होता था। तो ऐसे व्यक्ति को सब उस जो भी बस्ती है उसका नेता मान लिया जाता था उस समय। नवपाषाण युग के समय की बात है ये। महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को भी उनके जो भी ज्ञान उनके पास होता था उसके लिए उन्हें सम्मान दिया जाता था। तो अब हम आगे बात करेंगे मेहरगढ़ की, जो एक नवपाषाण युगीन स्थान है। मेहरगढ़ ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलंदरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये बोलंदरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे अधिक कमरे हैं जिनमें कुछ भंडारण में काम आते होंगे। तो जो मेहरगढ़ है उसमें स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो इसके अलावा घर जो है वो चकोर और आयताकार घर मिले हैं वहाँ पे खुदाई जब की गई तो, और प्रत्येक घर में चार कमरे या चार से अधिक कमरे होते थे जिसमें भंडारण के जो ज़्यादातर जो कमरे थे वो भंडारण के रूप में, मतलब अनाज भंडारण के रूप में प्रयोग किए जाते थे। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ है। तो मेहरगढ़ में जो खुदाई के दौरान हमें पता चला है कि 8000 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहाँ एक कब्र में एक मृतक व्यक्ति के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया है होगा। लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो मेहरगढ़ के लोगों का ये भी मानना था कि जो जीवन है उसके व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी आगे जीवन है। तो परलोक में उसके खाने के लिए एक जो कब्र मिली है उसमें व्यक्ति के साथ एक बकरी को दफनाया गया, वो उसके खाने के लिए प्रयोग। तो अब आगे हम बात करें दाउजली हेडिंग, ये भी एक पूरा स्थल है। ये पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिला है। ये पत्थर चीन से आया होगा, तो चीन एक प्रसिद्ध पत्थर है जेटाइट, तो ये पत्थर चीन से आया माना जाता है उसमें। तो
उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान को खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया करते थे। तो पहिए का जो आविष्कार उसके बाद हुआ, काफ़ी समय बाद। ये था हमारा तीसरा लेसन। तो फ्रेंड्स, तीन लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल चौथा लेसन आपके सामने आ जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी एनसीईआरटी चल रही है। सीटेट तक हम एनसीईआरटी, हिस्ट्री एनसीईआरटी और जियोग्राफी एनसीईआरटी और जहाँ तक हो सके पॉलिटिकल एनसीईआरटी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।